वन्य प्राणी सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक पूरे स्टेट में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारा जो मूल मंत्र है वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, यानी मानव वन्य जीव सह अस्तित्व। अतः इस वर्ष का जो वाइल्ड लाइफ वीक है उसका हमने थीम यही रखा है, मानव वन्य जीव सह अस्तित्व। और हमारी 2 तारीख से 8 तारीख तक की जो एक्टिविटीज होंगी वो सब इसी थीम के अराउंड रिवॉल्व करेंगी। इसका हमने जो 2 तारीख को आगाज करने का एक प्रोग्राम बनाया है वो है क्लीनलीनेस ड्राइव से, जो कि पॉटर्स हिल एरिया जो है वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। वो पॉटर्स हिल एक कंजर्वेशन रिजर्व भी है और वो एक सिंबॉलिक, वहां से हम क्लीनलीनेस ड्राइव इस वीक को स्टार्ट करने के लिए करेंगे। फिर नई एक्टिविटी क्या आपने ऐड ऑन कर रखी है? जैसे मैंने बताया कि ये हमने इस बार ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के अलावा जिसको रिजॉल्व करने के लिए हमने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस थीम रखा है, तो हमने इस बार सभी को इन्वॉल्व किया है और लोगों को आपके माध्यम से भी आह्वान करते हैं कि आप आकर के इसमें अपना योगदान दें। जो हमने पेंटिंग कंपटीशन, फोटोग्राफी कंपटीशन, सबकी थीम हमने को एग्जिस्टेंस पे रखी है, हमने एक सोच बदलने के लिए एक प्रयास किया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका हमें कोई ना कोई समाधान करना होगा। कोई एक दिन ओवरनाइट सॉल्यूशन इसकी नहीं आती है, ये धीरे धीरे हमें सोच में परिवर्तन लाना होगा, ये समझना होगा कि हम इसमें को एग्जिस्टेंस भी एक रास्ता है और वो एक सभ्य समाज का सही रास्ता है। तो ये सबसे बड़ा जो हम नया तो ये कर रहे हैं कि हम सोच बदलने की प्रयास कर रहे हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस थीम पे हम ये पूरा वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जी हाँ, हमने माननीय जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं श्री विक्रमेंद्र सिंह जी, उनको रिक्वेस्ट किया है, ही हैज काइंडली अग्रीड टू ग्रेस द ओकेजन, वो इस क्लीनलीनेस ड्राइव में आ रहे हैं। अंतिम सवाल।